हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा भूमि। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने न्यू वैकेंसी यहां पे अनाउंस कर दी गई हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। और फ्रेंड्स, आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, इसमें अपन जानेंगे जो फॉर्म यहाँ पे आए हुए हैं वो 29 जनवरी से यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पूरी जानकारी को अपन देखेंगे, कौन कौन बंदे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एज एलिजिबिलिटी क्या है, आयु आपकी क्या होनी चाहिए, इस सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो इसकी अपन सारी सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी है अपन यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, परीक्षा क्विज। यहाँ पर फ्रेंड्स सुबह और शाम को डेली आपके क्विज प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो पाएगी। और फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि एयरफोर्स की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, नेवी की भी अभी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे 20 जनवरी से डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट जीके के, रागा मॉक टेस्ट वाई ग्रुप के लिए और इंग्लिश के लेक्चर भी यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इंडियन नेवी का जो के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे 10+2 BTech एंट्री के लिए, जो कि 2nd of 2021 बैच के लिए, यानी जुलाई बैच के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जिसकी डेट ऑफ ओपनिंग क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे 29 जैन, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 9 फरवरी। तो फ्रेंड्स, ये तो रही आपकी ऑनलाइन नोटिफिकेशन की डेट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, एज की बात करें यहाँ पे तो 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2004 के बीच में कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों के बीच में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और फ्रेंड्स, SSR और AA से रिलेटेड भी यही एज यहाँ पे होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एज के अंदर आ रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो फ्रेंड्स इसमें केवल वही लोग डाल सकते हैं जिनके 10+2 में 70% PCM से किया हो और 70% PCM के अंदर होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ओवरऑल परसेंट 70 मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन यहाँ पे और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर JEE मेन 2020 के लिए, जिस लोगों ने JEE का एग्ज़ाम दिया था वो इसमें शॉर्टलिस्ट ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 70% मार्क्स इन PCM एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। एंड जिन लोगों ने JEE मेंस में 2020 में अप्लाई किया था उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी उसके बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ब्रांच, यानी वैकेंसी कितनी है यहाँ पे। एजुकेशन ब्रांच के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी हैं और टेक्निकल ब्रांच के लिए 21, यानी टोटल 26 वैकेंसी हैं यहाँ पे ऑफिशियल रैंक के लिए सीधे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो JEE मेंस का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसकी जो ऑल इंडिया रैंक है उस पर बेसिस यहाँ पे SSV के लिए आपको कहाँ पे बुलाया जाएगा, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल, विशाखापट्टनम, जो कि मार्च और जून में बुलाया जाएगा, जिसमें 900 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा SSV के लिए ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा, जो कि कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो SSV होता है वो 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। जो फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाता है फ्रेंड्स वो आपका सेम डे वापस कर दिया जाता है, और जो फर्स्ट स्टेज पास करके सेकंड स्टेज के लिए जो जाता है वो 4 डेज के लिए वहाँ पे रुकता है, यानी जो अप्रॉक्सीमेट जो ड्यूरेशन होती है 3-5 डेज की होती है, ठीक है फ्रेंड्स।
और एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फॉर्म की आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, नो फी, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जीरो पेमेंट। और फ्रेंड्स, जो आप यहाँ से जाओगे एसएसवी देने के लिए, तो एसी थ्री टायर का रेल जो फेयर होता है वो आपका वहाँ पर रिफ़ंड किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, इधर से जाने का और वहाँ से आने का जो फेयर होगा वो आपका एसी थ्री टायर तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप करने में नो कोई फीस नहीं है, तो फ्रेंड्स आराम से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपकी अच्छे से और प्रिपरेशन हो चुके। और जैसे ही फ्रेंड्स अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन SSR AA से रिलेटेड आएगा तो हम सबसे पहले आपके लिए लाएंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।